बॉलीवुड के जाने माने कलाकार यूं तो फिल्मों के जरिए समाज में परिवर्तन लाने में तो बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अपने परिवार में ही वो परिवर्तन नहीं ला पाते। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान वैसे तो कई युवाओं के रोल मॉडल हैं, लेकिन शायद लगता है कि वो अपने बच्चों के ही रोल मॉडल नहीं बन पाए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रेव पार्टी करते हुए मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को 7 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में भेज दिया गया है। NCB को कोर्ट से अभी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ही रिमांड मिली है, लेकिन NCB की कोशिश है कि बाकी 5 गिरफ्तार आरोपियों की भी रिमांड ले सके। आपको बता दें कि NCB ने अब तक NDPS अधिनियम की 4 धाराओं को लगाया है। इस एक्ट में ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, उपभोग करने, आयात करने, निर्यात करने के लिए व्यापक प्रावधान है। इसके साथ ही धारा 20 भी भांग के उपयोग से संबंधित है, धारा 27 किसी भी मादक दवा के सेवन से संबंधित है और धारा 35 जो आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान है। ये NDPS एक्ट क्या है और ये कब अस्तित्व में आया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट 1985 में आया। देश में किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए इसे बनाया गया। इसके तहत नशीले पदार्थ का प्रोडक्शन, स्टोरेज, बिक्री और इसका ट्रांसपोर्ट शामिल है। इसके तहत सजा का निर्धारण किस प्रकार का नशीला पदार्थ है और उसकी मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है। इस एक्ट के लागू होने के 1 साल बाद 1986 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई। आपको बता दें कि NDPS एक्ट के तहत सजा को लेकर अलग अलग प्रावधान है। इस अपराध में उन्हें जमानत मिल जाती है जिन्होंने सिर्फ नशीले पदार्थ का सेवन किया है और किसी प्रकार के व्यापार में शामिल नहीं है। ड्रग्स कम मात्रा में लिया है तो 1 साल कैद और जुर्माना का प्रावधान है। ड्रग्स के व्यापार में शामिल किसी व्यक्ति को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ड्रग्स खरीदने और बेचने के मामले में काफी कुछ ड्रग्स की मात्रा पर भी निर्भर करता है। NDPS एक्ट की धारा 31(1) के तहत अधिकतम सजा दी जाती है। ऐसे मामलों में जमानत सिर्फ उन्हीं को मिल पाती है जो व्यापार में शामिल ना होकर सेवन तक भूमिका रहती है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आया है। एक बार फिर शाहरुख खान के बेटे के गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स और इस एक्ट की चर्चा हो रही है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।